तो स्वागत है आपका क्रिएटिव इन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, हमने एक कूलर बनाया है। ये इसे मिनी कूलर भी कह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल कूलर है और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हुई हैं, जैसे कि इसके तीनों साइड ही हमने कूलिंग पैड अटैच किए हुए हैं और इसमें यहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं। 12 वोल्ट पर पावर सप्लाई लेता है। पावर सप्लाई देने के लिए हम इस पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं और ये 12 वोल्ट और 30 एम्पीयर की पावर सप्लाई है। इसके अलावा इसमें आगे तीन स्विच भी दिए गए हैं। ये तीन स्विच में से एक स्विच इस फैन का है और एक स्विच इसकी, इसमें एक वाटर मोटर लगी हुई है उसका है। उसी के साथ साथ इसकी ब्लेड्स के लिए भी एक स्विच दिया गया है, क्योंकि ये ब्लेड्स जब हम अपनी कूलर को चलाते हैं तब ये साथ में स्विंग करती हैं। मैं आपको इसे चला के दिखा देता हूँ। हम इसी पावर सप्लाई से इसको चलाएँगे तो जल्दी से अटैच करता हूँ। तो यहाँ साइड से हम अटैच करते हैं, ऑफ कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं, इसी के साथ साथ ये प्लेट्स लाइट से स्विंग करती हैं और आप देख सकते हैं कि ये ब्लेड्स इस टाइप से स्विंग करती हैं और वीडियो में भी आप आगे इनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग चैनल तक आते हो, वीडियो को देखते हो, वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ऑफकोर्स आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर वीडियो में कुछ आपको कमी लगती है, आपके कोई सुझाव हैं, तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कूलर का फ्रेम बनाने के लिए हम पीवीसी पाइप की प्लास्टिक शीट्स का यूज़ करेंगे। इन्हें मैंने पहले ही कट कर लिया है। आप अपना कूलर जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से उसको कट कर सकते हैं। वैसे इस कूलर की हाइट और वेट की बात करें तो यह 13x11 इंचज़ का है। इसके फ्रंट में आपको अपनी प्रोपेलर की साइज़ का एक होल करना है। अभी मैं जिस प्रोपेलर का यूज़ कर रहा हूँ उसका डायमीटर 9 इंच का है, तो मैं इसमें एक 9 इंच का होल कर लूँगा। कट करने से पहले आप इस पर मार्क ज़रूर कर लें। ये हमारी कूलर का फ्रंट है और इसी के साथ हम अपनी कूलर की टंकी जोड़ेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे जोड़कर इसकी टंकी बना लेते हैं। इसे जोड़ने के लिए हम फेविक्विक का यूज़ करेंगे। फेविक्विक से जोड़ने के बाद इसमें लीक नहीं रहेगा, फिर भी हम सेफ्टी के लिए इसमें एरो लाइट लगाएंगे। इसे एक दिन तक अच्छे से सुखाने के बाद अब हम इसे और आगे बनाएंगे। इसका फ्रेम बनाने के लिए मैं सीट्स को कट नहीं करूंगा, बल्कि टुकड़ों में इसके फ्रेम को बनाऊंगा। इससे हमारी सीट्स भी कम यूज़ होंगी और टुकड़ों का भी हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी कूलर की जो कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। चलिए जल्दी से हम इसका बाकी का फ्रेम भी बना लेते हैं।
हमारा फ्रेम अब बनकर तैयार हो चुका है। हमारा फ्रेम अब बनकर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हम इस पर स्प्रे पेंट करेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से बन गया है। इस पर हम स्प्रे पेंट करेंगे, तो चलिए जल्दी से इस पर स्प्रे पेंट कर लेते हैं। हवा सामने की ओर हर तरफ फैले, इसलिए हम इसमें स्विंग करने वाली ब्लेड्स भी लगाएंगे। इसके लिए हम लाइट फिटिंग वाले पीवीसी पाइप की शीट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक शीट को लेकर उस पर 1 इंच की दूरी पर मार्क कर लेंगे। इस पर मार्क करने के बाद इसके बीचों बीच हमें 8 होल करने हैं, क्योंकि हम इसमें 8 बुलेट्स का यूज़ करने वाले हैं। अब हम इन 4 टुकड़ों को एक परफेक्ट स्क्वायर फ्रेम में जोड़ेंगे। इनमें से 2 पैरेलल टुकड़ों पर 8 होल होंगे। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इन्हीं के बीच में हमारी बाकी सारी ब्लेड्स घूमेंगी। बीच वाली प्लास्टिक सीट को जोड़ने के लिए मैं पुरानी रिफिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो ऑलपिन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी पतली और गोल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी सीट्स को हमें इसी के बीच में फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्विंग करेंगी। इन सबको हमें एक साथ में जोड़ना है ताकि ये एक साथ और एक जैसे ही स्विंग करें।
आप देख सकते हैं ये अच्छे से और एक साथ स्विंग कर रही हैं, लेकिन हमें इन्हें हाथ से स्विंग नहीं करना है, इन्हें हमें ऑटोमेटिक ही स्विंग करवाना है। तो हम इसमें एक गियर मोटर का यूज़ करेंगे। जिस साइड हम गियर मोटर को लगाएंगे उस साइड हमें उस एरिया को कवर कर लेना है। मोटर के साथ मैंने एक सिंपल सा मैकेनिज्म यूज़ किया है जिससे हमारी ब्लेड्स अच्छे से स्विंग होती रहेंगी। हम इसे ब्लेड्स के साथ जोड़कर यहाँ पर फेविक से फिक्स कर देंगे। देख सकते हैं अच्छे से बन गया है और वर्क भी कर रहा है। पर इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, लेकिन हम इसे बाद में स्लो कर लेंगे। हमें ज़रूरत होगी 12 वोल्ट डीसी मोटर्स की, तो ये काफ़ी हाई टॉर्क की मोटर है और साथ ही ये हाई स्पीड की मोटर है और ये डीसी 775 मोटर है और ये भी 12 वोल्ट मोटर्स हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में काफ़ी गर्म हो जाती हैं, इसलिए हम इनका यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 775 मोटर का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम उसका भी यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। मोटर के साथ साथ हमें प्रोपेलर की भी ज़रूरत होगी। यह हमारे पास काफ़ी सारे प्रोपेलर्स हैं, लेकिन यह हम अपनी कूलर की साइज़ के हिसाब से प्रोपेलर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर इस प्रोपेलर का यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम परफेक्टली पेंट हो चुका है। तो पेंट होने के बाद हम इसमें बाकी सारी चीज़ों को भी फिक्स कर लेंगे। मोटर को फिक्स करने के लिए भी हम पीवीसी सीट का ही यूज़ करेंगे। पीवीसी सीट से भी इसको हम काफ़ी मजबूती से चिपका सकते हैं। तो इसे चिपकाने के लिए हम पीवीसी सीट को कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ जिस बात का आपको ध्यान देना है वो बात ये है कि इसको चलते समय इसमें वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम फेविक्विक से ही चिपकाएंगे। फेविक्विक से ये काफ़ी मजबूती से चिपक जाती है। देखिए ये अच्छे से वर्क कर रही है और इसमें वाइब्रेशन भी नहीं है, यानी कि हमने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया है। अब हम इसके आगे स्विंगिंग ब्लेड्स भी लगा देंगे। लगने के बाद ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं।
और ये अच्छे से वर्क भी कर रही हैं। अब हम कूलिंग पैड बना लेंगे, प्लास्टिक से ही हम इसका कूलिंग पैड बनाएंगे ताकि इसमें जिस घास को हम लगाएंगे वो अपनी जगह पर फिक्स रहे। यहाँ हम इस वाटर पंप का यूज़ करेंगे। इसे बनाना और इसकी पावर आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वाले वाटर पंप में हमने और भी ज़्यादा पावरफुल मोटर का यूज़ किया हुआ है। हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, हमें प्लस माइनस का ध्यान देना ज़रूरी है। इस साइड हम बटन लगाएंगे। यहाँ पर हम तीन बटन्स का यूज़ करेंगे जिसमें से एक फैन, एक वाटर पंप और एक प्रोपेलर के लिए होगा। यहाँ पर हमें सभी के कनेक्शन डायरेक्ट पावर सप्लाई से करने हैं। बस जिस मोटर का यूज़ हमने अपनी ब्लेड्स को स्विंग करवाने के लिए किया हुआ है, यानी कि हमारी गियर्ड मोटर जो कि 5 वोल्ट पर चलती है, इसलिए हमें इसमें एक LM7805 या 7805 IC का यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक वोल्टेज रेगुलेटर IC है। और साथ ही हम 33 ओम रजिस्टर का भी यूज़ करेंगे ताकि उसकी स्पीड को और भी धीमा किया जा सके। तो चलिए जल्दी से अपने वोल्टेज रेगुलेटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। पानी के लिए हमने PVC पाइप को ही कट करके जोड़ा हुआ है और इसमें हमने छोटे छोटे होल किए हुए हैं ताकि तीनों साइड पानी बराबर से बह सके। और हमने इसमें लाइट के लिए भी होल किया हुआ है जो हमारे वाटर पंप से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। अब हम इसे टेस्ट करके देख लेंगे। इसकी टैंक की कैपेसिटी लगभग 7 लीटर या उससे भी ज़्यादा ही है। इससे पानी जरा सा भी लीक नहीं होता है। तो चलिए हम जल्दी से इसमें पानी भर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से वर्क कर रहा है और इसकी स्विंगिंग ब्लेड्स भी अच्छे से वर्क कर रही हैं। चलिए आपको जूम करके दिखा देता हूँ।